नमस्कार, आप देख रहे राष्ट्र समाचार। प्राकृतिक कला को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में द फ्रेगिलिटी ऑफ हैबिटेट का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि सेशेल्स बिनाले 2017 की विजेता कलाकार आरती जवेरी कोरियाई कला संगठनों याटो के सहयोग से ग्लोबल नोमाडिक आर्ट प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई है, जो प्राकृतिक कला को बढ़ावा देती है। इनका काम सार्वजनिक स्थानों पर इंस्टॉलेशन, सार्वजनिक कला पाठों और चर्चाओं के माध्यम से जनता के बीच जागरूकता को बढ़ाने पर केंद्रित है, जिससे कि पर्यावरणीय गिरावट, स्थिरता और ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दों पर प्रकाश डाला जा सके। प्रदर्शनी के बारे में बोलते हुए आरती जवेरी ने कहा कि आज पृथ्वी मानव जाति के इतिहास में पहले से कहीं अधिक दबाव में है। मनुष्य ने इनके संसाधनों पर अपना कब्जा कर लिया है और प्राकृतिक इसके संतुलन और मूल को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। मेरा मानना है कि धरती सबकी है। कला प्रदर्शनी में क्यूरेटर रॉबिन्स द्वारा इंटरैक्टिव सत्रों के साथ साथ क्यूरेट वॉक का भी कला प्रदर्शनी को समग्र रूप से अनुभव करने में काफ़ी योगदान रहा। आपको बता दें कि प्रदर्शनी 3 जनवरी से 30 जनवरी 2023 तक नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में आम जनता के लिए खुली रहेगी। आई एम आरती जवेरी, विजुअल आर्टिस्ट, मल्टी डिसिप्लिनरी आर्टिस्ट। सो आई वर्क विद पेंटिंग, आई डू इंस्टॉलेशन एंड वीडियो आर्ट। तो ये मेरा एक इंस्टॉलेशन लगा हुआ है जो नेचुरल मटेरियल से बना हुआ है और ये अबाउट फ्रेजिलिटी ऑफ हैबिटेट। ये इसका मतलब ये है कि हमारा अर्थ बहुत ही नाजुक, फ्रेजाइल हो गया है। हमारी पृथ्वी हमें संवेदनशील हो गई है, तो उसकी वेदना को दर्शाने की यहाँ पे मैंने कोशिश करी है। और ये एग्जीबिशन अभी फर्स्ट जनवरी से शुरू हुआ था, 3 जनवरी से और 30 जनवरी तक है। तो यहाँ पे 5 इंस्टॉलेशन लगे हैं और ये पांचों अलग अलग सेम 5 एलिमेंट दिखा रहे हैं। उसी हिसाब से लोगों का क्या रिव्यू मिल रहा है, यहाँ लगाने से लोग आ रहे हैं देखने के लिए? लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस तरह का चीज़ से ओपन एयर में अच्छे मौसम में देखने के लिए और प्लस अपनी संवेदना जो प्रकट की है वो देख के उनको अच्छा लग रहा है कि हाँ, ज़रूरी प्लास्टिक हमें नहीं यूज़ करना चाहिए, हमें नेचुरल मटेरियल को ज़्यादा अहमियत देना चाहिए। ये आइडिया कहाँ सा है, ग्लोब जैसा बनाना और फिर ये मकड़ी की जाली वगैरह? ये आर्टिस्ट के आइडिया थे। आई एम वेरी सेंसिटिव अबाउट अर्थ एंड जो हम जिस तरह से कर रहे हैं प्लास्टिक का यूज़, प्लस एयर पोल्यूटेड कर रहे हैं, नदी को पूरी तरह से ख़राब कर रहे हैं। तो ये पांचों चीज़ों को मैंने यहाँ पे दर्शाया है। और क्वेश्चन कि आपकी टीम जो है जिन्होंने ये सब किया, तो कितना टाइम लगा आपको और कब से आप लोग ये तैयारी कर रहे हैं? हाँ, तो ये हमें मेरी टीम नहीं, मतलब ये पूरा करते करते हम ऑलमोस्ट 2 महीने लगे हैं। पूरा पहले आपने ये जब जगह मिला हमें बनाने के लिए इनवाइट किया गया हैबिटेट सेंटर विजुअल आर्ट से कि आप यहाँ पे कुछ कर सकते हैं इस तरह का जो एनवायरनमेंट को अवेयर करते हो। तो वो क्या, तब फिर पूरा ड्राइंग, फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन करना, फिर सारा फाउंड ऑब्जेक्ट भी है इसमें से मटेरियल जमा करना, और ये करते करते ऑलमोस्ट 2 महीने जी। जैसे आज की जो गवर्नमेंट है, हाँ जी, इन चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा, हाँ जी, गवर्नमेंट से सपोर्ट इन चीज़ों में? मेरा यहाँ पे एक बहुत अच्छा मैसेज ये मैं देना चाहूँगी कि गवर्नमेंट सपोर्ट की यहाँ कोई बात नहीं है। इट्स हमारी सबकी पर्सनल ये बात है कि हमें खुद को सुधारना है। जब मैं प्लास्टिक बॉटल यूज़ करूँ तो मुझे इसका दर्द होना चाहिए। So thank you all for coming, and this is the exhibit which is being done by Aarti Zaveri. This show is to signify the importance of the fragility of our habitat, the way our habitat is today suffering, and the role that each one of us plays in keeping it the way we are. A lot of times people look at corporate social responsibility, government funding and other aspects, but as an artist, it has been a great endeavor of Aarti to be able to work
through the elements of nature. That's why you see the exhibit is very bare. It is to show that how we are draining Mother Earth of all its resources without wanting to give back. And across, it is not just dependent on India. And India is a very, very important element because we have always been taught how to give as a nation, whether it is our esoteric sciences, the yoga, or any of the aspects. And it was very important for Aarti, the artist, to talk about the idea that we are all integratedly interconnected in our belief system to preserve, conserve, and to make sure that the coming generations are able to inherit whatever our forefathers gave to us, not bad, but at least just the way we got it back. So it is the responsibility of each one, and we have started with this thought process, not just by posing the question, but by saying, refuse single-use biodegradable plastic, reuse it, recycle it, and be conscious of what your responsibility is as and when you want. That is why isi ki wajah se hum vasudev kutumb samajh sakte hain, hum brahmasmi bhi samajh sakte hain, aur ye jitni bhi philosophical baatein hum baaton mein baatein karte hain, usko ab jeevant karkar jeene ka mauka hai, aur kalakar lekhak ki yahi koshish hoti hai ki अपने शब्दों के थ्रू, अपने विजुअल्स के थ्रू इस बात को उन सब लोगों तक पहुंचाएं जो इससे अनभिज्ञ हैं या जानकर भी अनभिज्ञ होना रहना चाहते हैं।